अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आमिर जी के। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केवाईसी के बारे में कि केवाईसी क्या है और आपने किस तरह करनी है, और अगर आपको ऑप्शन आया है तो ठीक है, अगर नहीं आया तो आपने ऑप्शन किस तरह लाना है, तो इसके बारे में वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन बटन प्रेस कर दें ताकि आने वाले टाइम में ईगर नेटवर्क रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि अभी तक मेरे पास ईगर नेटवर्क का जो अपडेट है वो नहीं हुए, तो किस तरह करनी है तो वो भी मैं आपको फिज़िकल तौर पे दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं जस्ट आपने फ्रेंड क्या करना है, यहाँ पर आप मोर पर जस्ट आपने क्लिक करना है। तो जैसे आप फ्रेंड क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि फेसबुक वेरीफाई है, गूगल वेरीफाई है, फ़ोन नंबर रहता है और ईमेल वेरीफाई है। इसके नीचे एक ऑप्शन आता है केवाईसी का, तो वो अभी आप देख सकते हैं कि मेरे पास नहीं है और किस तरह लाना है तो इसमें बात करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड आपने चले जाना है अपने प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में आपने लिख देना है ईगल प्ले स्टोर। तो फ्रेंड आपने ईगल नेटवर्क अपडेट लिख देना है, जैसे आप लिख देते हैं उसके बाद आपने जस्ट सर्च करना है। तो जैसे आप फ्रेंड सर्च करते हैं तो आपके पास इस तरह का ऑप्शन आ जाता है। तो जैसे फ्रेंड आपके पास इस तरह का ऑप्शन आता है तो जस्ट आपने अपडेट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही अपडेट पे क्लिक करेंगे तो इसकी जो अपडेशन है वो पेंडिंग में होगी, उसके बाद इसकी इंस्टॉलेशन होगी। तो अभी आप फ्रेंड देख सकते हैं कि इंस्टॉल हो गए, उसके बाद जस्ट आपने ओपन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे फ्रेंड आप ओपन पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद न्यू इंटरफेस आता है। तो उम्मीद है हमें केवाईसी का जो स्लॉट है वो आ गया होगा। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि इसके बाद आप देख सकते हैं कि दो अपडेट आ चुके हैं, एक तो वॉलेट का आ चुका है कि रिकमेंडेड वॉलेट भी आप देख सकते हैं, और रिडीम का ऑप्शन भी आपके पास आ गया है। और इसके बाद मैं आपको दिखा सकता हूं कि आपके पास जो ऑप्शन था केवाईसी का तो वो भी आ चुका होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड देख सकते हैं कि थोड़ा सा टाइम ले रहा है लेकिन आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आ गया है। तो इसी तरह फ्रेंड आप ऊपर आप देख सकते हैं कि अगर आप नेम वगैरह भी चेंज करना चाहते हैं तो उस पर भी एडिट का ऑप्शन आ रहा है, तो ये बाद में हम वीडियो बनाएंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे कि रिकमेंडेड वॉलेट का ऑप्शन भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसके बाद में बात करें, लेकिन आज की जो वीडियो है ये केवाईसी के बारे में है। तो केवाईसी आपने फ्रेंड किस तरह पेश करनी है, तो सबसे पहले आपने केवाईसी का जो मतलब होता है नो योर कस्टमर, कि क्या ये जो बंदा है ये माइनिंग कर रहा है, क्या ये बंदा ठीक है या कोई रोबोट वगैरह तो नहीं है। तो केवाईसी इसे कहते हैं कि वेरीफिकेशन होती है। तो जस्ट आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, टू वेरीफाई योर अकाउंट प्लीज़ प्रोवाइड योर केवाईसी डॉक्यूमेंटेशन, तो ये आपकी वेरिफिकेशन के लिए और आपने ये जो डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं ये आपने देने हैं। तो यू कैन प्रोवाइड पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप पासपोर्ट दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो दे सकते हैं, या नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो शनाख्ती कार्ड हम कहते हैं वो आप दे सकते हैं। तो यू कैन ओनली सबमिट ऑन ऑफ द अबाउट मेंशन डॉक्यूमेंट, तो ये डॉक्यूमेंट तमाम आपने साथ मेंशन करके आपने अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपके पास अगर जो भी चीज़ है तो वो चीज़ आपने अपने अपलोड करनी है। तो मैं अपलोड कर दे तो आपने उसी तरह आपने काम करना है। तो सबसे पहले फ्रेंड अगर जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है जिसकी भी आप केवाईसी करना चाहते हैं तो वो नीचे आपने सेलेक्ट कर दी, यहाँ पे इस पर क्लिक कर दूँ मैं, तो मेरे पास नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है तो मैं इस पर जस्ट क्लिक कर देता हूँ। और उसके बाद उस पर जो नंबर है वहाँ पे ये नंबर देना है, और आईडी कार्ड पे जो आपका नेम है लास्ट में वो नेम देना है। तो आपने जो पिक्चर है वो किस तरह अपलोड करना है, जस्ट अपलोड पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही अपलोड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इनको अलाउ कर देना है, जैसे ही अलाउ करेंगे तो उसके बाद तीन ऑप्शन आपके पास, एक कैप्चर फोटो आता है, चूज़ गैलरी या कैंसिल। तो कैप्चर फोटो से मुराद ये है कि आप डायरेक्ट या इसके कैप्चर कर सकते हैं, और चूज़ गैलरी से मतलब ये है कि अगर पहले से आपके पास गैलरी में मौजूद हैं पिक्चर वगैरह तो वहाँ से भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो मेरे पास पहले से आप मौजूद हैं तो मैं यहाँ इस पर क्लिक कर देता हूँ चूज़ गैलरी पर। तो जस्ट आपने भी चूज़ गैलरी पर क्लिक करना है और वहाँ से अपना पिक्चर जो है वो सेलेक्ट करनी है। तो इस तरह फ्रेंड आपके पास नीचे ऑप्शन आ जाए तो जस्ट आपने गैलरी पर या फोटो जहाँ पर भी आपकी पिक्चर पड़ी है उस पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि मैंने एक जो अपने आईडी कार्ड की पिक्चर्स यहाँ पे अपलोड कर दी, उसके बाद वहाँ पे नेशनल आइडेंटिटी कार्ड सेलेक्ट किए हैं,
और उसके बाद यहाँ पे वही नंबर देना है जो आपके आईडी कार्ड पे है, और उसके बाद आईडी कार्ड पे जो आपका नेम लिखा हुआ है वही नेम आपने मे नेम ऑन आईडी प्रूफ लिख देना है। तो जस्ट उसके बाद आपने क्या करना है कि अपलोड पे क्लिक कर देना है। तो जैसे फ्रेंड आप अपलोड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाता है कि आपकी केवाईसी हो चुकी है सक्सेसफुली। तो उसके बाद यहाँ पे आपको पेंडिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो ये हो सकता है कि विद इन 4 आवर्स या एक दिन भी लग सकता है या 24 घंटे भी लग जाते हैं या 2 आवर भी लग जाते हैं, तो ये उन पर डिपेंड करता है। तो जब भी अप्रूव हो जाए तो यहाँ पे आपको मैसेज आ जाता है। तो इसी तरह आपने अपनी केवाईसी का स्लॉट पेस्ट करना है और अपनी केवाईसी क्लियर करनी है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें ताकि इस तरह इन्फॉर्मेशन और ऑनलाइन के बारे में आपको वीडियो मिल सकें। तो जल्द एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।